तो मुझे छोड़ दे बस स्टैंड पे, तभी से बस और बस आ गई है ये वाली कोटा। और गाइस अभी राजेश भाई छोड़ने आ गया मुझे। गाइस अभी ब्यावरा के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया, वैसे जगह मिल जानी चाहिए। अच्छा यार। और गाइस खाना आ चुका है आशियाना। और गाइस ये है इंदौर का काफी फेमस स्टूडेंट एरिया। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी, वापस से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। और गाइस अभी लगभग 8:30 बज चुकी है और रात भर से अभिषेक के मामा जी घर पे ही था मैं। और अभी अभिषेक से बोला मैंने कि मुझे छोड़ दे बस स्टैंड पे, तो अभिषेक बस स्टैंड पे छोड़ने जा रहा है मुझे और मैं जा रहा हूँ सीधा ब्यावरा। और ब्यावरा से मैं जो भी सामान है वो सब ले लूँगा, राकेश भाई से मंगवा लूँगा ब्यावरा ही, और फिर मैं निकल जाऊँगा इंदौर। डायरेक्ट ट्रेन है ब्यावरा से, नरसिंहगढ़ से ट्रेन नहीं रहती, ब्यावरा से ही रहती है। तो अभी ब्यावरा लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो ब्यावरे जा रहा हूँ सीधा। और गाइस अभी बस स्टैंड पे पहुँच गए, बस स्टैंड नहीं है वैसे, ये एक जगह चौराया जहाँ से बस मिलती है अधिकतर। बस स्टैंड पे जाएंगे तो काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। और बस आ गई है ये वाली कोटा इंदौर वाली, इसी में जा रहे हैं। ठीक है अभिषेक भाई, ब्यावरा ब्यावरा कितने लोग? ठीक है निकल जा तू। और गाइस अभी बगल की दुकान से खोए लिए मैंने 10 रुपए के, इसलिए ले लिए क्योंकि पता नहीं खाना कब हो। आज लगभग 2:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे अपन, तो कुछ भी नहीं मिलेगा रास्ते में खाने का, अभी खा लेते हैं क्योंकि भूख भी लगने लग गई, आज सुबह कुछ भी नहीं खाया मैंने। और गाइस अभी राकेश भाई छोड़ने आ गया मुझे, अभी कपड़े भी लेकर आया मेरे घर से, काम कर रहा था इसलिए लेट हो गया थोड़ा हमारा भाई। और अभी रेलवे स्टेशन तो छोड़ देगा, मैं निकल जाऊँगा इंदौर आ जाएंगे। और गाइस अभी ब्यावरा के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया हूँ मैं। और गाइस अभी ब्यावरा के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया हूँ, पीछे बैग रखा है मेरा और अभी ट्रेन आने वाली है थोड़ी सी देर में। और ये है अपना ब्यावरा का रेलवे स्टेशन, गाइस ट्रेन आ चुकी है तो अभी बैठते हैं इसमें। वाली कोटा इंदौर वाली जो ट्रेन, इसी में जाएंगे अपन, वैसे जगह मिल जानी चाहिए यार लोकल में। और गाइस अभी बैठ गया हूँ ट्रेन में, कोटा इंदौर वाली ट्रेन है ये, और विकलांग में बैठा हूँ। विकलांग में क्या है कि जगह मिल जाती है और जिसके बाद में इतनी भीड़ भी नहीं रहती इस डिब्बे में, कोई दिक्कत नहीं। अभी लेटने की जगह मिल गई है, ऊपर बैठा हूँ ऊपर वाली सीट पे, बैग बगल में रख दिया मैंने। अभी पहुँच जाते फिर अपन मिलते हैं इंदौर में अपना ही। और गाइस अभी इंदौर पहुँच गया, लगभग 2:15 बज चुकी, तो ट्रेन भी जल्दी है आज। और अभी जा रहा हूँ मैं बाहर, मुझे जाना है विजयनगर, तो विजयनगर ही विजय भाई के पास, दिव्य प्रताप भाई के पास जो मेरा दोस्त है गोविंद भैया के पास, तो रात को जाऊँगा। ये है इंदौर का रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा। अच्छा है यार इंदौर का काफ़ी साफ, इंडिया में सबसे क्लीन सिटी बताया जाता है इंदौर को। और गाइस अभी मार्केट में आ गया हूँ और सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सुबह नाश्ते करा था, पोहे खाए थे और भूख भी लगने लग गई काफ़ी ज़्यादा। तो अभी मार्केट में आया तो 60 रुपये प्लेट है, जिसमें मुझे 4 रोटी और सब्जी और चावल मिलेंगे, वो खाने के बाद फिर मैं जाऊंगा दिव्य प्रताप भाई के पास। और गाइस खाना आ चुका है तो खाना खा के मिलते हैं अपन। और गाइस अभी खाना पीना हो चुका है मेरा, आगे चौराहे जा रहा हूँ, बस आगे से मिलेगी मुझे रेती मंडी के लिए। और गाइस अभी बस में बैठ गया हूँ और मैंने चलो ऊपर 30 रुपये का टिकट बनाया मंडे का, जिसमें मैं कितना ही ट्रेवल कर सकता हूँ, मेरा 30 रुपये ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। और ये बस मुझे छोड़ेगी रेती मंडी, फिर मैं चला जाऊँगा दिव्य प्रताप भाई के पास मिलने उससे। और गाइस सिटी बस में बैठ गया हूँ, ऐसी कुछ खाली बस दिख रही है आज तो मुझे सिटी बस भी, क्योंकि और बार खाली नहीं रहती जब मैं पहले आया। अभी दिव्य प्रताप भाई के पास पहुँच गया हूँ काफ़ी लंबा सफ़र के बाद, लगभग आधे एक घंटे से चल रहा था। तो अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं भाई के साथ ऊपर आशियाना। और ब्रदर तो आप मेरे को तो नहीं जानते होंगे, लेकिन इस भाई को जानते होंगे, इसी भाई का व्लॉग को मैं अब कंटिन्यू करने वाला हूँ। ये मेरे दोस्त, हेलो दोस्तों, ये उसके भी दोस्त, मतलब ये मेरे दोस्त का भी दोस्त, हेलो दोस्त, ये मतलब हम सभी कब से है नर्सरी से 7 है, तो ये बकचोदी मतलब आप सुन लो क्योंकि ऐसी बकचोदी आपको मिलने वाली है। और भाई आज आया हमारे रूम पे और भाई इंदौर शिफ्ट होने वाला है, तो भाई की थोड़ी हेल्प कर देते हैं, मतलब भाई हमारी हेल्प करने आया है। देखे तो भाई से बड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, मतलब भाई को स्टोरी देख के मतलब ऐसा लगता है कि यार भाई मतलब अपन तो कुछ कर ही नहीं रहे यार, मतलब भाई से
इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है कुछ करने की। तो अभी हम जा रहे हैं, चाय वाय पी के आते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट में घूमते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मतलब अभी चाय पीते हैं सबसे पहले, और भाई को थोड़ा सेट, यही इंदौर सेट होना है तो इनके इधर कुछ रूम वगैरह ढूंढते हैं, तो वो काम करते हैं, वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और व्लॉग मतलब ऐसे आप बने रहिए वीडियो में। एक और हमारा दोस्त है यहाँ पे जो सो रहा है, अभी इसका पेपर खत्म हुआ है, तो पेपर मतलब काफी ज्यादा पढ़ाई करी भाई ने पेपर तो भाई ने पढ़ाई करी तो अब थक गया, तो अब अगले पेपर के लिए फिर से ऊर्जा चाहिए, इसलिए थोड़ा आराम फरमा रहे। और गाइस अभी जा रहे हैं मार्केट की ओर, विजय भाई लेके जा रहा है चाय पिलाने। अरे विजय नहीं भाई, दिव्य भाई है यार। अरे कुछ भी बोल दो यार, नाम ही तो है, प्रेम से कुछ भी बोल दो। और गाइस अभी विजय भाई ने चाय पिला दी है और अभी हम जा रहे हैं मार्केट की ओर घूमने। मार्केट में छोटा मोटा अभी अपन बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं यहीं पे, कम से कम बजट का। तो विजय भाई अभी मुझे जगह दिखा रहा है और सारी अभी हम जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि हम वहाँ पे छोटा सा छोटे से और कम से कम पैसे में अपन बिजनेस स्टार्ट कर सकें। और अभी विजय भाई सामने खड़ा है, पेमेंट करने जा रहा है, मुझे पेमेंट भी नहीं करने दिया उसने, क्योंकि बोल रहा है कि मेहमान है, तू मत कर पेमेंट। और गाइस अभी हम जा रहे हैं बोलाराम बवरकुआ जा रहे हैं, क्योंकि इधर हमें ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ अपना खुद का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सके। उधर देखते हैं जगह, मतलब मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, एमबीए में सिखाया जाता है एमवीपी, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। तो वो अभी जो पढ़ाई लिखाई करी हमने उसका सदुपयोग करते हैं, अभी जगह ढूंढते हैं। तो वही जा रहा है अभी, चलो अभी बस देख रहा है, क्योंकि मैंने चलो टिकट बनाया है ना ये वन डे का, तो उसमें मेरा 30 रुपये ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, इसलिए उस बस में जाएंगे, नहीं तो ऑटो वाले टेम्पो वाले काफ़ी ज़्यादा रुपये लेते हैं। चलो एक पले ना। और गाइस अभी हम पहुँच गए भोलाराम उस्ताद के गेट के सामने, और काफ़ी क्लीन सिटी लग रही है, जो इंदौर के बारे में सुना था हमने वो यहीं पर आके पता चल रहा है हमें। और ये वाली जगह है जो सारी स्टूडेंट एरिया है, और इधर काफ़ी अच्छा माहौल है, जो हमने सुना था इंदौर के बारे में वो यहीं पर आके पता चल रहा है, जो क्लीन सिटी है। और अभी हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर जाएंगे ये वैसे, और अंदर जाके पता करेंगे कि यहाँ पे अपन छोटा सा छोटा कम से कम खर्चे में कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस ये है इंदौर का काफ़ी फेमस स्टूडेंट एरिया भोलाराम, इसमें अंदर जा रहे हैं अभी हम अंदर घूमने। शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड बढ़ जाता है इधर के एरिया में, क्योंकि स्टूडेंट एरिया है ना ये, और इधर भी सारी कोचिंग है इंदौर की, इधर ही साइड। और गाइस काफ़ी देर के घूमने के बाद हमें पता चल गया मार्केट का हाल कैसा क्या है। और ये तो है काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, कुछ भी चीज़ यहाँ पे सेल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ है उसकी महंगाई बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर कोई सी भी अपन ने दुकान चालू करी या कोई सा भी छोटा मोटा बिजनेस अपन ने स्टार्ट करा, तो उससे पहले अपन इन्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा इस चीज़ में, और वो अपने पास इतना है नहीं। कम से कम बजट में अपन काम करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता अपना बिजनेस जब तक अपन पहले खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते इतने। और अभी हम जा रहे हैं सीधा विजय भाई के रूम पे, वहीं पे रुकेंगे रात, और फिर सुबह चले जाएंगे अपने गोविंद भैया, जो मामा जी के लड़के, उन्होंने बुलाया था मुझे। और अभी बस का वेट करना है, सिटी बस का ही। गाइस अभी बस में बैठ गए, भीड़ इतनी ज़्यादा है, पैर रखने की जगह नहीं है, अच्छा खच भरी है शाम को। शाम को इसलिए भीड़ हो जाती है क्योंकि सभी लोग ड्यूटी से आते हैं इसीलिए। और गाइस इस तरीके से भीड़ आप सब देख सकते हैं सबसे ज़्यादा। और गाइस अभी रेती मंडी पहुंच चुके हैं हम, और आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, दोपहर में खा लिया था मैंने खाना, लेकिन उस खाने में बिल्कुल भी दम नहीं थी, बिल्कुल भी पेट नहीं भरा पाया मेरा। और अभी विजय भाई, अपना देवी प्रताप भाई, मैं विजय बोलता हूँ उसे, तो वो एक होटल पे लेकर आया खाने के लिए, यहाँ भी प्लेट है और 50 रुपये का, यहाँ काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, दिव्य भाई डेली खाता है इसीलिए मुझे लेकर आया। और अभी खाना पीना कर लेते हैं अपन, सामने की होटल है जिस पर हम खाना खाएंगे। और सामने बैठा दिव्य भाई, तो चलते हैं अपन अंदर होटल में खाना खाने। और गाइस काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर रखा है इस होटल को, और सामने CSK का मैच चल रहा है अपना, जो अपनी फेवरेट टीम है, तो मैच भी देख लेंगे और खाना पीना भी हो जाएगा यहीं पे। और गाइस अपना खाना पीना आ चुका है, और इसमें एक ख़ास बात है, यहाँ पे इस होटल में 50 रुपये में आप अपने हाथ से ले सकते हैं जितना खाना खाना है उतना, और सामने मैच चल रहा है, कुछ अलग ही फीलिंग आती है भाई के साथ खाना खाने की। तो खाना खा के मिलते हैं अपन। और गाइस खाना पीना हो चुका है, अभी एक पार्क में बैठे हुए हैं, विजय भाई कुछ काम में लगा हुआ है उधर की साइड, और रूम भी पास में ही, तो अभी उसी के रूम पे जाएंगे सोने, आज यहीं पे रुकूंगा, फिर कल चला जाऊंगा मैं गोविंद भैया के पास। और गाइस इस वीडियो को यहीं पे अपन एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।